दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, क्योंकि टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेन चंद की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कंपनी की प्रोफाइल को लेकर। तो आइए बात करते हैं क्या कहा है मैनेजिंग डायरेक्टर ने और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका टाटा पावर की शेयर प्राइस के ऊपर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां हमें टाटा पावर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लगभग 1.5% तक के करेक्शंस यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेन चंद की तरफ से कहना है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर द फ्यूचर एंड हाइब्रिड टेक ओनली सस्टेन फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ईवी के अंदर डिमांड बढ़ रही है, यही फ्यूचर है, और साथ ही साथ हाइब्रिड टेक जो है वो कुछ ही सालों तक अब हमें देखने को मिलने वाली है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने आगे भी कहा है कि टाटा मोटर्स इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार मेकर बन चुकी है, हैज पुट ऑल इट्स रिसोर्सेज इनटू डेवलपिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी वेयर इट हैज अ नियर मोनोपोली। यानी कि तीसरे नंबर की लार्जेस्ट कंपनी हमें टाटा पावर अभी के टाइम पर देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मार्केट में भी कंपनी मोनोपोली का बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शैलेन चंद का यहाँ पर यह भी कहना है कि हम सिर्फ कैफे रिक्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट का टारगेट है जीरो इमिशंस का, तो उस पर भी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और सिर्फ अभी तक टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के 2 मॉडल्स इंडिया के अंदर लॉन्च करे हैं, और वो 2 मॉडल्स ने ही मार्केट में लगभग 82% ईवी मार्केट शेयर्स कैप्चर कर लिया है। तो जिस प्रकार से ईवी की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, वहां पर टाटा मोटर्स को उसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स अभी के टाइम पर हमें इंडिया के अंदर ईवी में लीड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो लॉन्ग टर्म पर्पस से यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसको लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रही थी, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड, एक पेनी शेयर्स जहां पर कंटिन्यूसली हमें फॉलिंग देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच सिनकॉम फॉर्मुलेशंस ने एक बोर्ड मीटिंग्स यहां पर कंडक्ट करी है। इस बोर्ड मीटिंग्स के अंदर कुछ इंपोर्टेंट डिसीजंस कंपनी यहां पर लेने वाली है। आप देख सकते हैं 25 फरवरी 2022 के दिन शाम को 4 बजे हमें कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड होते हुए देखने को मिलने वाली है, और इस बोर्ड मीटिंग्स के अंदर टोटल 2 बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टू कंसीडर एंड अप्रूव कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट्स इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप सब्जेक्ट टू द डिपॉजिटिंग द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट्स इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अल्टीमेटली कंपनी जो कन्वर्जन कर रही है अपने इक्विटी शेयर्स का, उसको लेकर यहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स के अंदर अपडेट देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ कुछ और बिजनेस मैटर्स भी यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। तो अगर इस बोर्ड मीटिंग्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आते हैं तो आपको सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्रीश पोजीशंस को अभी आपको इस शेयर्स के अंदर अवॉइड करके चलना है। पिछले 1 साल में कंपनी लगभग 217% तक के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है, लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट सिनकॉम के निकल कर आए हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू तो डिक्लाइन हुआ ही है, लेकिन 60% की फॉलिंग हमें कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। ओरिएंट ग्रीन पावर को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से निकल कर आ रहा है। जैसा कि आपको बताया कि एक्सचेंज ने ओरिएंट ग्रीन पावर के मैनेजमेंट से वॉल्यूम को लेकर यहाँ पर जो क्वेश्चंस किया था कि आपके जो वॉल्यूम के अंदर बहुत ही शानदार हमें जो ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर एक्सचेंज को रिप्लाई सबमिट करते हुए ओरिएंट ग्रीन पावर ने अपना स्टेटमेंट सबमिट किया है, और वहां पर कहा है कि किसी प्रकार के अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस और अनाउंसमेंट यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो भी आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, ये रिटेल इन्वेस्टर और साथ ही साथ बड़े फंड हाउसेस की खरीदारी ही देखने को मिल रही है। किसी प्रकार का कोई प्राइस मैनिपुलेशन नहीं किया जा रहा है, और ना ही किसी प्रकार का कोई ऑपरेटर गेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं देयरफॉर व्हाटएवर द इंक्रीज इन प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ द कंपनी स्क्रिप इज प्योरली ड्यू टू मार्केट कंडीशन एंड एब्सोल्युटली मार्केट ड्राइवन। तो यहाँ पर किसी प्रकार से इनसाइडर न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है।
वही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर भी 5% का अपर सर्किट देखने को मिल चुका है, लेकिन हाँ इस शेयर्स के अंदर भी आपको बल्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि ओरिएंट ग्रीन पावर के फाइनेंशियल नंबर्स हमें दिसंबर क्वार्टर के काफी इंप्रूवमेंट वाले देखने को मिले हैं, तो यदि आपने यहाँ पर पोजीशंस बनाए रखी है तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मार्केट अभी हमें वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट के अंदर न्यूज निकल कर आ रही है, अगर मंडे के दिन मार्केट क्रैश होता भी है तो यहाँ पर आपको अपना टारगेट लेकर चलना है, और जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाए आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को भी आप देखेंगे तो जहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगभग 120% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही शानदार तेजी हमें कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। बात कर ले अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। कल ही के दिन हमें इस शेयर्स के अंदर 5% का अपर सर्किट भी देखने को मिला, और कल ही के दिन एक और बड़ी गुड न्यूज भी हमें देखने को मिली। तिलक वेंचर्स लिमिटेड को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, जिस कारण से मंडे के दिन अगेन आपको इस शेयर्स के अंदर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो क्लियरली आप यहां पर समझ पाएंगे कि तिलक वेंचर्स लिमिटेड के अंदर हमें पंप और डंप के रेशियो ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और कंपनी काफ़ी बड़े लॉस में भी हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण से यदि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप यहां पर अपने टारगेट को अचीव होते ही प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ राइट इशू को लेकर भी यहां पर जो एक्स डेट थी वो कंपनी के अंदर निकल चुकी है, और यहां पर तिलक वेंचर्स लिमिटेड ने तो अपने राइट इशू की डिटेल्स है वो भी यहाँ पर पब्लिश कर दी है। तो यदि आपने राइट इशू के अंदर अप्लाई किया है तो उसका फाइनल लेटर्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 2022 के 3 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में, जहां पर हर गिरावट में आप इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शेयर्स का नाम है रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड। जी हां दोस्तों, इंडिया के अंदर फुटवियर कंपनी नंबर 1 मार्केट लीडर हमें जो देखने को मिलती है वो है रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इस कंपनी ने 50% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी काफ़ी अच्छे बड़े मुनाफे में देखने को मिल रही है। वहीं अगले शेयर्स के बारे में बात कर लें जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसे में भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, और ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकती है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का अगर आप मैक्सिमम ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 383% के रिटर्न्स कंपनी अभी तक बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी की खास बात ये है कि यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ कंपनी काफ़ी बड़े मुनाफे में भी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वही बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है पीडी लाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर्स के अंदर लगभग 16 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी ने 38,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। हालांकि पीडी लाइट के भी फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर हमें दिसंबर क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी परफॉर्मेंस बनाकर दे सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।